एक खूबसूरत सा आपको एनिमेशन दिखाई देने को मिलेगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मैग्नेट से है, फ्रेग्रेंस काफी अच्छा होने वाला है अभी इस वीडियो में। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके लिक्विड के फॉर्म जो है देखने को मिल जाते हैं। फ्रेग्रेंस तो भाई काफी गजब आपको देखने को मिलेगी और मैग्नेट काफी लोगों की पसंदीदा परफ्यूम होती है। फंटासिया भी एक यूनिक फ्रेग्रेंस है और इसकी डिमांड भी काफी अगरबत्ती इंडस्ट्री में काफी अच्छी होती है। शुरू करते हैं आज के इस रिव्यू में, हम बात करेंगे दो मोस्ट डिमांडेड परफ्यूम्स के बारे में। फर्स्ट हमारे पास फंटासिया और सेकंड आपको देखने को मिलेगी मैग्नेट, और दोनों के बेसिक नोट्स के बारे में बात करेंगे, दोनों के फ्रेग्रेंस क्या रहेंगे, किस तरीके की इसमें खुशबू आपको जो है एज अ परफॉर्मेंस आपके अगरबत्ती में देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। और पिछले वीडियोस में आपने देखे होंगे तो हमने बात की थी जेट ब्लैक और ऑर्चिड फ्रेग्रेंस के बारे में, और अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो चेकआउट आप जरूर कर लीजिए और वीडियो जरूर देखिए। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगे, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके आप जरूर रख लीजिए। बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आप जानते होंगे लगातार अभी रिव्यूज के वीडियोस आपको देखने को मिल रही होंगी परफ्यूम, अगरबत्ती परफ्यूम से रिलेटेड, जिसमें से हम आज करेंगे दो यूनिक फ्रेग्रेंस जिनको हमेशा ऐसे परफ्यूम्स की तलाश रहती ही है। फर्स्ट मैग्नेट और सेकंड फंटासिया। सो फिर बात करेंगे जल्दी से और इसके फ्रेग्रेंस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सो फिर जो है सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेट के बारे में और इसका जो बेसिक डिटेल्स है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये आपको कुछ इस तरीके से इसके एनिमेशन जो है देखने को मिलेंगे, एज अ ये हमारा जो है एक स्प्रे परफ्यूम्स के जैसा आपको ग्राफिक जो है देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग एज अ अपने बॉडी में यूज करते हैं फाइन फ्रेग्रेंस। और बाकी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको नीचे मेंशन की गई है, जिसमें प्राइसिंग और बेसिक डिटेल आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल बॉटल कुछ इस तरीके से आपको जो है दिखाई देंगी और 500 ग्राम पैकिंग में ये हमारा बॉटल जो है परफ्यूम का होता है। सो फिर ये हो गए इसके बेसिक डिटेल्स। फंटासिया का भी ले लेते हैं तो बेसिक चीज़ें आपको सेम टू सेम इसमें भी दिखाई देने को मिलेगी। फंटासिया आपको ऐसा नाम बड़े फॉन्ट में देखने को मिलेंगी, ग्राफिक्स कुछ इसी तरीके से हैं, फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा होने वाला है अभी इस वीडियो में, सो वीडियो आप प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिए। और दो परफ्यूम्स है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। सो कुछ इस तरीके से ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। ग्राफिक हमने थोड़ा यूनिक डिज़ाइन किया क्योंकि ये बेसिक स्प्रे और फैंसी नोट्स के परफ्यूम है और 500 ग्राम का ये बॉटल आपको देखने को जो है मिलेगा। सेकंड स्टेप में हम चलते हैं। सो सबसे पहले हमें करना है रिव्यू। रिव्यू करने के लिए हमें करना होगा परफ्यूम का टेस्ट, खाने के लिए नहीं, स्मेल करने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो। सो फिर इसे करते हैं हम लोग ओपन। सो यहां से हम यहां इसके जो कैप है ऊपर के ये रिमूव कर लेते हैं, ये लॉक आपको देखने को मिलेगा ये हमने हटा ली, और यहां से जो है ये भी हमने ऊपर कर लिया। फटाक से हम ले लेते हैं बीकर और कर लेते हैं परफ्यूम्स को ट्रांसफर। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके जो है लिक्विड के फॉर्म देखने को मिलेंगे एज अ परफ्यूम, और फ्रेग्रेंस काफी इसका अभी से आना चालू हो गया है, मतलब एज अ फास्ट ये फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलेगी, जिसके नोट्स डाइल्यूशन इसके बारे में भी बात करेंगे। एक तरफ हम इसे रख लेते हैं, अब यहां पे हम कर लेते हैं फंटासिया। कैप्स हमने निकाली और यहां पे निकाल लेते हैं इसका सील पैक्स। अब जो है आगे हम करेंगे एक छोटा सा सैंपल टेस्टिंग। सो फिर इसके लिए क्या करना होगा, ये हमारा जो है बीकर में आपको एज अ परफ्यूम देखने को मिल जाता है। फ्रेग्रेंस तो भाई काफी गजब आपको देखने को मिलेगी, और कुछ इनसेंस स्टिक्स रॉ स्टिक्स में हम इसे
एक डीपिंग प्रोसेस करते हैं और वहां से इसके जो फ्रैगनेंस एज अ नोट्स इसके जो है समझने की कोशिश करेंगे। सो फिर यहां हमने ये 50% एवरेज स्टिक्स अगरबत्ती रॉ स्टिक्स को डीप कर लिया है और ये हमारा परफ्यूम जो है एग्जॉर्ब्स भी हो चुका है और यहां से जो है इसके फ्रैगनेंस के बारे में एज आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। फिर आगे हम बात करेंगे फंटासिया के नोट में क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी और दोनों का बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या निकल के आने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। मैग्नेट बेसिकली इसके एक बेसिक डिफरेंस मैं बताना चाहूं कि दो चीजों को आपस में जोड़ने वाली वस्तु या फिर चीज जो भी हो, तो यही बात है। ये परफ्यूम हमारी अगरबत्ती में एक अच्छा फ्रैगनेंस देती है और उसे जोड़ के रखती है। एक नॉर्मल एग्जांपल में दिया। और मैग्नेट काफी लोगों की पसंदीदा परफ्यूम होती है और ये हर एक लोगों को पसंद आती है क्योंकि इसमें इसके जो बेस फ्रैगनेंस है ये बेसिकली फैंसी नोट्स में होते हैं और स्प्रे फॉर्म में होता है। स्प्रे फॉर्म मीन्स मैं कहना चाहूँ आपने डियोज या फिर स्प्रे परफ्यूम यूज किए होंगे। काफ़ी सारे एज ए ब्रांडेड जो कंपनीज हैं वो इस मैग्नेट्स को बनाती हैं और इसके फ्रैगनेंस जो है काफ़ी डिमांडेड रहती हैं। उसी तरीके से हमारी अगरबत्ती बिजनेस में भी मैग्नेट का खूब चलन है। कारण क्यों? क्योंकि इसके डाइल्यूशन काफ़ी हैवी टूटते हैं, मतलब एज अ 6-7 तक का प्रीमियम क्वालिटी में भी ये इसके फ्रैगनेंस आपको एज अ डाइल्यूशन टूटते देखेगा। और बाय द वे आप मीडियम सेगमेंट या जो लूजेज अगरबत्ती होते हैं उसमें तो भाई साहब पूछो ही मत, लोग 10 12 15 तक के डाइल्यूशन में भी इसे लूज अगरबत्ती बनाने के लिए तोड़ देते हैं। कारण यही है कि इसके फ्रैगनेंस हल्का भी अगरबत्ती के साथ टच होने पर अच्छा खुशबू जो है दे देता है। तो बात हो गई ये फैंसी नोट्स के बारे में और डीओ एज अ स्प्रे परफ्यूम के जो है फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। एज अ एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ तो वाइल्ड स्टोन में इसके जो बेसिक वाइल्ड स्टोन आपने यूज किया होगा तो उसका बेस फ्रैगनेंस आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये हो गई बात मैग्नेट की और इसे जो है रखते हैं साइड में। अब हम आगे बात करते हैं हमारे दूसरे यूनिक फ्रैगनेंस के बारे में और ये है हमारे पास फंटासिया। फंटासिया भी एक यूनिक फ्रैगनेंस है और इसकी डिमांड भी काफ़ी अगरबत्ती इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी होती है, लोग इसे पसंद ज़रूर करते हैं। और इसके जो है ऑयल के फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे एज अ लाइट येलो कलर आपको देखने को मिल जाएंगी। और फ्रैगनेंस में हम बात करें तो ये भी हमारा एक तरीके से मैं बोलूँ तो फैंसी नोट्स है और कुछ स्टिक्स हम इसमें से जो है डीप कर लेते हैं। सो ये हमने कुछ रॉ स्टिक्स ले ली और यहाँ से हम कर लेते हैं इसे थोड़े से डीप। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसे हम करते हैं थोड़ा सा ट्राई, थोड़ा सा सूखने देते हैं। उससे पहले एक बेसिक डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। फंटासिया मिस एक ये भी फैंसी नोट्स है और इसके जो फ्रैगनेंस हैं वो भी डीओ के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा एज अ स्प्रे जो हम लोग एज अपने बॉडी के लिए यूज करते हैं, एज अ अरोमा जो मैं बोलना चाहूँ। फ्रैगनेंस इसके बेस नोट के बारे में मैं बात करना चाहूँ तो इसमें बेस फ्लावर का टच भी आपको एज अ इस फ्रैगनेंस में देखने को मिलेंगी और इसके साथ में फैंसी का बेस टोन आपको देखने को मिलेगा एज अ फैंसी नोट्स आपको इसमें से देखने को आएंगे। फ्रैगनेंस थोड़ा स्पाइसी होगा, मतलब थोड़ा यूनिक मैं कहना चाहूँ और इसी के साथ ये कूल फ्रेशनेस वाली आपको फीलिंग देगा एज अ फंटासिया। और मैग्नेट और इसके बाद डाइल्यूशन की बात करूँ तो इसे आप प्रीमियम क्वालिटी देने के लिए 1:5:6 का रेशियो ले सकते हैं डेफिनेटली। और सेकंड हमारा हो जाता है फंटासिया, इसमें हमारा 4:5 का डाइल्यूशन आराम से प्रीमियम क्वालिटी के लिए कवर करेगा। और जो है अगर आप अच्छे अगरबत्ती परफ्यूम की तलाश में हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी परफ्यूम के ढेर सारे रेंज, वो भी आपके बजट में हाई डाइल्यूटेड प्रीमियम क्वालिटी और एक बेस प्राइस में आपको काफ़ी सारे यूनिक फ्रैगनेंस देखने को मिल जाएंगे। परफ्यूम्स के बेसिक डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए।